यारो एक बार प्रभु यीशु सब्त के दिन एक भवन में गए और वहां पर लिखा है कि आराधनालय में जब वे उपदेश कर रहे थे वहां एक स्त्री थी जो 18 साल से दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा से पीड़ित थी। बोलिए दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा। सुना है ऐसा नाम? ये पर्टिकुलर ऐसी दुष्टात्मा थी जो ये स्त्री को दुर्बल किए हुए थे। कई बार शैतान बीमारी को लाता है प्यारो, बीमारी में बांधे रखता है और स्त्री को तो 18 साल से शैतान ने दुर्बलता में बीमारी में जकड़ कर रखा था प्यारो। वो कुबड़ी हो गई थी दुर्बलता के कारण, इतनी कमजोर हो गई थी कि वो अपने आप को सीधी खड़ी नहीं रख पा रही थी। और वहां यीशु जब प्रीच कर रहे थे, प्रभु ने उससे कहा, यीशु ने उसे देख कर बुलाया और कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छुट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत, बोले तुरंत, वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। वो ही यीशु हमारे बीच है प्यारो। 18 साल कम नहीं होते प्यारो। 18 साल से जो दुर्बलता से पीड़ित थी उसका दर्द शायद हम समझ नहीं पाएंगे। 4 दिन बुखार रहता है, दवाई लेने पर जब उतरता नहीं है, हमारे सिर पर चिंताएं सवार हो जाती है, क्या हुआ होगा, क्यों ये बुखार उतरता नहीं, क्यों ये दवाई काम नहीं कर रही। हम एक छोर दूसरे के पास, डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, दूसरे डॉक्टर को छोर तीसरे के पास दौड़ते हैं। ये तो 18 साल से बीमार थी प्यारो, अपने आप को सीधी खड़ी नहीं रख पा रही थी, लेकिन वहां कोई था जो असंभव को संभव कर सकता था, जिसको टाइम पीरियड बांध नहीं सकता, जिसको वो बीमारी रोक नहीं पाई। वो यीशु ने उससे कहा, तू चंगी हो गई है। और वहां लिखा है वो तुरंत, जो 18 साल से नहीं हुआ था, यीशु के एक शब्द ने वो कर दिखाया। वो ही यीशु, वैसे ही काम करने वाला यीशु आज हमारे बीच है। उसकी ताकत में, सामर्थ में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वो राजाधिराज है, वो सर्व सामर्थी खुदावंत है। अब विश्वास करिए, जो सालों से नहीं हुआ होगा वो प्रभु आपके लिए कर सकता है प्यारो। चाहे कोई भी परिस्थिति ने आपको बांध कर रखा हो, इतने भी लंबे समय से यीशु आपको छुड़ा सकता है। हाथों को उठाए, हम विश्वास जाहिर करें, हाथों को करके, प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू राजाधिराज है। बोले ऊंची आवाज में, तू राजाधिराज है यीशु, तू सर्वशक्तिमान है यीशु, कोई परिस्थिति तुझे बांध नहीं सकती। चाहे कितने भी समय से हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, यीशु तू छुड़ाने के लिए सामर्थी है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, वो ही यीशु हमारे बीच है, वो आज अद्भुत काम मेरे जीवन में करेगा। मिलकर कहें आमीन।